मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना उनकी जिद। हमीरपुर दौरे पर भोरंज में जनसभा को किया संबोधित। अध्यात्म व शिक्षा से जुड़ा गुरु पूर्णिमा पर्व आज, प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पर्व। गुरुजनों के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। कांगड़ा जिले में पर्यटन के विकास के लिए प्रशासन ने उठाया कदम। गग्गल से नगरोटा, सूरिया व हरिपुर से गुलेर तक सड़क को ग्रामीण पर्यटन सड़क के रूप में किया जाएगा विकसित। धर्मशाला में किसानों को स्मार्ट फार्मिंग के बारे में जागरूक करने के लिए लगाया गया प्रशिक्षण शिविर, 120 किसानों ने लिया भाग। श्रमिकों व उनके परिवारों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भवन व सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड चला रहा अनेक योजनाएं, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने दी जानकारी। शिमला पथ परिवहन निगम के परिचालक मांगों को लेकर आज से क्रमिक अनशन पर, क्लर्क के समान वेतनमान की है मांग। प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा का दौर जारी, आज और कल राज्य में भारी वर्षा का येलो अलर्ट।